नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। बाराडी को एमआरसी क्लब बाराडी वॉलीबॉल टूर्नामेंट उपस्थित आदरणीय अभिभावक गण, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों एवं हमारे साथ उपस्थित आदरणीय बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य अमरजीत यादव जी, आदरणीय श्रीमान रजनीश दुबे जी, बरौनी से चलकर आए अनिल यादव जी, बड़े भाई संजय यादव जी, सुनील यादव जी, भाई मानवेंद्र भारती जी एवं इस कार्यक्रम के आयोजक भाई इमरान खान जी, संघर्षों के साथी ब्रजेश यादव बीरू जी, आप सबका हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत ही मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं। एकम साहब ने कहा कि इस क्षेत्र के नेता आप लोग बनाएंगे। नेता जनता ही बनाती है। खेल एक ऐसा माध्यम है कि जो ऊंच नीच भेदभाव को दूर करते हुए समाजवाद के साथ समता करता है, समता लाता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि जो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऊंची नीची सड़कें अच्छे रफ्तार नहीं दे सकते, ऊंची नीची सड़कें अच्छे रफ्तार नहीं दे सकते, ऊंचे नीचे खेत कभी अच्छी फसल नहीं दे सकते। जब ऊंचे नीचे खेत कभी अच्छी फसल नहीं दे सकते, ऊंची नीची सड़कें कभी अच्छे रफ्तार नहीं दे सकते, जहां भेदभाव ऊंच नीच जात धर्म है वहां विकास हो सकता है। सिर्फ उसका एक ही रास्ता है कि प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी। बहुत ही बारंबार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कमेटी को कि इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए कि किशोर जवानी चलती है, किशोर जमाना चलता है। इन युवाओं में प्रतिभा छुपा हुआ है, कोई देश का नाम रोशन करेगा, कोई जनपद का नाम रोशन करेगा, कोई प्रदेश का नाम रोशन करेगा। तो ज्यादा शब्दों को मैं लेते हुए एक लाइन कहते हुए बस विराम करूंगा कि गमों के आस पर आंसू उभार कर देखो। एकता साहब ने इतनी शेरोशायरी सुनाई कि थोड़ी सी मुझे भी हिट कर दिया, तो मुझे याद आ गई कि गमों के आस पर आंसू उभार कर देखो, गमों के आस पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, गमों के आस पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, होगी चुभन जरूर कम, किसी के पैरों से काटा निकाल कर तो देखो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।